Hi everyone. Should I say hi or hello or good morning? क्या आप भी इसी confusion में फंसे रहते हैं? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए बना है. Let's learn how to greet and introduce someone. By the way, this video is brought to you by EnGuru Spoken English app. EnGuru offers interactive live classes every day, daily practice lessons, expert EnGuru teachers, and a certificate from EnGuru. Download the app from Google Play Store to keep learning. And yes, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Hi Miss Rohini, please take a seat. और सब बढ़िया? Next please. अब ऐसा क्या हो गया? नमस्ते दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि अभी क्या हुआ? जैसे कि आप जानते ही हैं, इंग्लिश में बात करना हमारी रोजमर्रा जिंदगी में कितना जरूरी है। जब आप किसी को मिलते हैं, आपको पहले उनका अभिवादन करना चाहिए। आइए फिर से देखते हैं रोहिणी का इंटरव्यू। और सब बढ़िया? इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि ऐसे अभिवादन करने से नौकरी तो मिलने से रही, उसके ऊपर तो रोहिणी को एक औपचारिक तरीके से अभिवादन करना चाहिए था। चलिए देखते हैं रोहिणी को क्या बोलना चाहिए था। हाय मिस रोहिणी, प्लीज टेक अ सीट। थैंक यू, गुड मॉर्निंग सर। इंटरव्यू में इस बार रोहिणी ने थैंक यू और गुड मॉर्निंग सर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। किसी पुरुष को सर और किसी महिला को मैडम कहना बहुत ही पोलाइट होता है। हम सर या मैडम इन शब्दों का इस्तेमाल तब करते हैं जब कोई हमसे उम्र में या तो पद में बड़ा हो। जब कोई भी हमारे लिए कुछ करे या हमें किसी चीज के लिए आमंत्रित करे तो हमें थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे इंटरव्यूअर ने रोहिणी को बैठने के लिए आमंत्रित किया, इस वक्त में थैंक यू बोलना उचित होता है। जब हम किसी को सुबह में मिले तो हम गुड मॉर्निंग, दोपहर में गुड आफ्टरनून और शाम में गुड इवनिंग का प्रयोग करते हैं, जैसे कि गुड मॉर्निंग सर। चलिए आगे देखते हैं। जैसे कि आपने देखा, रोहिणी अपने कुछ कॉलेज की सहेलियों के साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही थी। वो तो खैर इंग्लिश में बातचीत कर रहे थे, पर रोहिणी इंग्लिश में ज्यादा कुछ टाइप नहीं कर पाई। आइए देखते हैं कि रोहिणी को क्या बोलना चाहिए था। यानी मेरा नाम रोहिणी है और मैं इस ग्रुप में नई हूं। चलिए थोड़े और सामाजिक वाक्य देखते हैं। Hi, how are you? Hello, I'm fine, thanks. How are you? जब हम किसी से मिलते हैं तो हमें उनका अभिवादन करना चाहिए और उनका हालचाल पूछना चाहिए। जैसे how are you? उत्तर होगा I'm fine, thank you. फिर हमें भी how are you बोलकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। ये विनम्र और सभ्य दोनों होंगे। चलिए आगे देखते हैं। Excuse me, sir. Where's the market? It's that way. Thank you. You're welcome. जब हम किसी अनजान व्यक्ति से बात करना चाहते हैं, तब हम excuse me का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम excuse me का इस्तेमाल तब भी कर सकते हैं जब हम किसी से बात करना चाहते हो या हमें किसी से कुछ पूछना हो और वो इंसान किसी और काम में व्यस्त हो, तभी excuse me का उपयोग उचित रहेगा। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। ओए हेलो, अरे सुन। आप excuse me sir, excuse me ma'am या सिर्फ excuse me का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर वो कुछ आपके लिए करे तो फिर आप thank you बोल सकते हैं, जैसे कि thank you sir, thank you ma'am या सिर्फ thank you। चलिए आगे बढ़ते हैं। Okay, I'm going home now. Goodbye. See you later. Bye. See you soon. जब हमारा किसी से मिलने का समय खत्म होने को आए तो हम कह सकते हैं गुड बाय, बाय, सी यू सून या सी यू लेटर। गुड बाय या बाय का मतलब होता है अलविदा कहना और सी यू सून का मतलब होता है जल्द ही मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का लेसन हमारा यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये लेसन बहुत पसंद आया हो। अगर आपको इसी तरीके के मजेदार इंग्लिश लेसन्स चाहिए तो आज ही एनगुरु ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जल्दी। तो बस जल्दी मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। तब तक आप आज के लेसन को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा।